अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, पाकिस्तान का सबसे कामयाब बैंक है, हबीब बैंक लिमिटेड। तो आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो हबीब बैंक लिमिटेड से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक पे जो है वो हमने पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन आज की वीडियो में और पिछली वीडियो में फ़र्क ये है जनाब कि हबीब बैंक करता क्या, हर तीन महीने पे जो है अपने प्रॉफिट रेट में तब्दीली करता है, बढ़ाए, कम करे या सेम रखे, लेकिन हर तीन महीने पे जो है वो अनाउंसमेंट करता है कि जनाब ये अगले तीन महीने के लिए इसका प्रॉफिट रेट यही होता है। अनफॉर्चुनेटली रमज़ान और ईद की वजह से हम थोड़े से लेट हो गए और आज 14 तारीख हो गई है, हम HBL के हवाले से आप लोगों को अपडेट नहीं कर सके, हम माज़रत ख्वाह इस चीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुए क्योंकि 4-5-6 दिन की तो छुट्टी आ गई रमज़ान की और फिर सैटरडे संडे की, ठीक है। जनाब, आज की वीडियो में हबीब बैंक लिमिटेड ने जो अपने प्रॉफिट रेट में तब्दीली की है या सेम रखा है या चेंज कर दिया, उसकी डिटेल की बात करेंगे। दूसरी बात यह कि HBL का सबसे पहले, मतलब जब इन्होंने ये करते हैं कि HBL वाले, इन्होंने लास्ट प्रॉफिट रेट जो इशू किया था वो किया था 1 जनवरी 2024 को, ठीक है। और 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक जो है वो इनका प्रॉफिट रेट वैलिड था तीन महीने के लिए। अब क्या हुआ जनाब, 1 अप्रैल 2024 को जो है इन्होंने अपने प्रॉफिट रेट को रिवाइज़ किया है और वो वैलिड है 30 जून 2024 के लिए। तो आज अब जो रेट इशू हुआ है तो ये रेट जो है अगले 6-3 महीने तक वैलिड रहेगा, ठीक है। और जनाब, आज जिस अकाउंट की हम बात करेंगे HBL की, वो उसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि HBL में जो है वो सबसे ज़्यादा जो अकाउंट खुलवाया जाता है उसके हवाले से हमारी वीडियो, ठीक है। प्रॉफिट रेट रिवाइज़ हो गया तो एक अकाउंट पे नहीं हुआ है, तकरीबन 8-10-12 अकाउंट है HBL के, तो सब पे प्रॉफिट रेट रिवाइज़ हुआ। अगर सेम भी रहा है तो जनाब हम तो उसको अपनी ज़बान में रिवाइज़ ही कहेंगे, क्योंकि वो 31 मार्च 2024 तक वैलिड था, अब जो रेट आया है या सेम ही रहा है वो 30 जून 2024 तक वैलिड रहे, ठीक है जनाब। अच्छा, HBL के बारे में क्या मैं आप लोगों को बताऊं, मतलब HBL बैंक किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक, पाकिस्तान का सबसे कामयाब बैंक, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क, पाकिस्तान का वो बैंक जिसके पास सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ मौजूद है, पाकिस्तान का वो बैंक जिसको ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान बनने के बाद जो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हबीब ग्रुप को से कांटेक्ट किया था और उनको दावत दी थी कि आप पाकिस्तान आएँ और पाकिस्तान में बैंकिंग का निज़ाम संभालें। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दावत पे जो है हबीब ग्रुप पाकिस्तान आया था और पाकिस्तान में बैंकिंग का आगाज़ शुरू किया था, ये एजाज़ किसी और बैंक को हासिल नहीं है। तो जनाब, इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ HBL के हवाले से आपको, आने वाले दिनों में जिस तरह मीज़ान बैंक आगे जा रहा है, जिस तरह मीज़ान बैंक जा रहा है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई HBL को बीट कर सके तो शायद मीज़ान बीट कर जाए, जिस हिसाब से मीज़ान जा रहा है। मैं कोई मीज़ान का नुमाइंदा नहीं और ना ही HBL का हूँ, जो मुझे दिख रहा है वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि HBL मीज़ान जो है बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा है, ठीक है। अच्छा बैंक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं तो अक्सर आपने मेरे मुँह से मीज़ान की तारीफ ही सुनी होगी, ठीक है। तो जनाब, मीज़ान हो सकता है फ्यूचर में जो है वो HBL को पीछे छोड़ दे, लेकिन ये फ्यूचर की बात है, करंटली तो यही हो सकता है HBL उस वक्त भी आगे ही रहे, ठीक है। तो जनाब, आज जिस अकाउंट की हम बात करेंगे HBL की, हम टॉपिक से थोड़ा आउट हो रहे थे, मीज़ान की तरफ जाके हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। आज जिस अकाउंट की हम बात करेंगे HBL की, उस अकाउंट के बारे में आपको बता दूं कि अगर एक बैंक एक ब्रांच में 100 अकाउंट खुलते हैं, एक ब्रांच में 100 अकाउंट खुलते हैं तो 100 में से 75 अकाउंट ये खुलते हैं, ठीक है। और बाकी 25 कह लें आप, कुछ TTR के खुल रहे होते हैं, कुछ करंट अकाउंट खुल रहे होते हैं, कुछ आसान सेविंग खुल रहे होते हैं, कुछ नॉर्मल सेविंग खुल रहे होते हैं। तो इस अकाउंट की खसूसियात ये है कि आप ब्रांच मैनेजर के पास जाए, ऑपरेशन मैनेजर के पास जाए, अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर के पास जाए, तो उसने आपको यही अकाउंट सजेस्ट करना है। इसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। अकाउंट का नाम देख लीजिए जनाब, HBL महाना आमदन अकाउंट। अच्छा, जो प्रॉफिट रेट है जिसकी वजह से आज हमारी वीडियो बनी है, HBL जो है दो टाइप्स के प्रॉफिट रेट इशू करता है। एक तो आपको करंट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट इंटरेस्ट रेट शो करेगा कि आपको इंटरेस्ट इतना मिलेगा, ठीक है। दूसरा आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बारे में बताएगा। अच्छा, ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या है जनाब,
मैं आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आते हैं कि मैं पैसे रखवाना चाहता हूँ, मैंने आपको ऑफर की कि जनाब आप मेरे पास पैसे रखवाएं या बैंक में पैसे रखवाएं, मैं आपको 20% का प्रॉफिट दूंगा। ठीक है, आपने पैसे रखवा दिए, 20% का सालाना प्रॉफिट है, मतलब महीने मतलब जो भी बन रहा आपके अकाउंट में आ रहा है। उसके साथ मैं आपको ऑफ़र करता हूँ कि भाई एक ऑफ़र मैं आपको और कर रहा हूँ, अगर पूरे एक साल तक आप ना अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाते हो ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकलवाते हो, तो मैं आपको 20% के हिसाब से प्रॉफिट नहीं दूंगा, मैं आपको 2% ज़्यादा दूंगा, मतलब 20 की बजाय 22% के हिसाब से प्रॉफिट दूंगा। मतलब एक साल तक के आपके अकाउंट में कोई भी डेबिट नहीं लगेगा। ठीक है, जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी अकाउंट में रहेगा और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी अकाउंट में रहेगा, तो प्रॉफिट मैं आपको 20% के हिसाब से नहीं दूंगा, 22% के दूंगा, तो उसको कहते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो SBL ने जो इंटरेस्ट रेट वो भी बता दिया है और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी बता दिया। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रॉफिट रेट की कि आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा नॉर्मली। ठीक है, आपका प्रॉफिट ये है साल का, ये मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा, इस पे फाइलर पे इतना टैक्स बनेगा, इस पे नन फाइलर पे इतना टैक्स कटेगा, और टैक्स काटने के बाद 100,000 पे फाइलर का मंथली प्रॉफिट ये बनेगा, नन फाइलर का मंथली प्रॉफिट ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे प्लस आगे बढ़ाएंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की, जो SBL ने अपनी वेबसाइट पे ही मेंशन किया हुआ है, अपने प्रॉफिट रेट पे ही मेंशन किया हुआ है कि हम आपको इतना भी प्रॉफिट रेट देंगे अगर आप हमारी बात मानते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे फिर वीडियो को आगे लेके जाएंगे कि अगर मैं ही आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट क्या बनेगा, साल का प्रॉफिट क्या बनेगा, उस पर ग्रॉस प्रॉफिट क्या बनेगा, फाइलर पर टैक्स कितना कटेगा, नन फाइलर पर टैक्स कितना कटेगा, और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद फाइलर का प्रॉफिट क्या बनेगा, नन फाइलर का प्रॉफिट क्या बनेगा। तो पूरी डिटेल्स में आज हम बात करेंगे इस अकाउंट के हवाले से। नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, SBL महाना आमदन अकाउंट। ये जो SBL महाना आमदन अकाउंट है ये SBL का सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन अकाउंट है, और जिस तरह मैंने आपको बताया, रिपीट कर दूं कि जब किसी भी ब्रांच में अगर 100 अकाउंट खुलते हैं महीने में, तो 100 में से 75 अकाउंट जो है SBL महाना आमदन का होता है, बाकी कोई करंट अकाउंट है, कुछ सेविंग अकाउंट है, कुछ आसान करंट अकाउंट है, कुछ आसान सेविंग अकाउंट है, कुछ FCI वाले अकाउंट है, कुछ TDR के लिए खुल रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट अकाउंट खुल रहे थे। तो SBL महाना आमदन अकाउंट एक तो नंबर वन अकाउंट है SBL का, दूसरा प्रॉफिट रेट भी इसका बहुत शानदार है। इसी वजह से जब से प्रॉफिट रेट रिवाइज हुआ है 1 अप्रैल 2024 से, हमारी पहली वीडियो है और उस प्रोडक्ट उस अकाउंट के हवाले से जो SBL का सबसे कामयाब तरीन अकाउंट है। आगे चलते जनाब, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको SBL महाना आमदन अकाउंट। ठीक है, अन मंथली प्रॉफिट रिटर्न। अच्छा, ये नंबर वन अकाउंट क्यों, ये आगे चल मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मौजूद है कि जनाब ये नंबर वन अकाउंट क्यों है। ठीक है, अच्छा जनाब फीचर्स की बात कर लेते हैं, बेनिफिट की बात कर लेते हैं। नो इनिशियल बैलेंस रिकॉर्ड, मतलब 1 रुपए से भी अकाउंट खुल जाएगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जनाब, SBL महाना आमदन अकाउंट इज फॉर रेजिडेंट पाकिस्तान नेशनल्स ओनली, मतलब जो पाकिस्तान में रह रहा है सिर्फ उसके लिए है। ठीक है, अच्छा उसके नेक्स्ट पॉइंट भी चलते हैं, दिस अकाउंट कैन बी ओपन बाई बोथ इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल, मतलब कोई बंदा सिंगली भी अकाउंट खुलवा सकता है, मैं जाऊँ खुलवा लूँ। ठीक है, या फिर ज्वाइंटली भी खुलवा सकते हैं, जैसे भाई बहन हस्बैंड ने खुलवा लिया, भाई बहन ने खुलवा लिया, भाई बहन ने खुलवा लिया, बाप बेटे ने खुलवा लिया, माँ बेटी ने खुलवा लिया, माँ और बेटे ने खुलवा लिया, बाप और बेटी ने खुलवा लिया, तो सिंगली भी खुल सकता है और ज्वाइंटली भी खुल सकता है। ठीक है, आगे चलते जनाब, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड डेली ऑन डे एंड क्लोजिंग बैलेंस। ये जो पॉइंट है प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड डेली वन डे एंडिंग क्लोजिंग बैलेंस, ये वो रीज़न है जिसकी वजह से ये अकाउंट सबसे ज़्यादा जो है खुला जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्ट रखते हैं और सबसे ज़्यादा यही अकाउंट खुलवाते हैं। अच्छा, ये है क्या, इस जुमले का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आज आपके अकाउंट का बैलेंस जो है वो 1,000,000 रुपये था। ठीक है, तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम ये करेगा, कंप्यूटर ये करेगा, 1,000,000 पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, कल आपके पास 50,000 रुपये और आ गए, आपने अकाउंट में जमा करवा दिया, तो कल सिस्टम क्या करेगा, आपका प्रॉफिट 1,000,000 पे कैलकुलेट नहीं करेगा, 1,50,000 रुपये प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा, और कल का प्रॉफिट आज से ज़्यादा होगा, क्योंकि आज 1,000,000 रुपये था, 1,00,000 पे प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ, और कल 1,50,000 हो गया, तो कल 1,50,50,000 पे प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ। परसों क्या हुआ जनाब, आपके पास 5,00,000 रुपये और आ गए, आपने वो भी अकाउंट में डाल दिए, तो आपका अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया, 1,50,50,000। ठीक है, सिस्टम क्या करेगा, परसों जो है कभी 1,50,50,000 का प्रॉफिट, 1,50,50,000 पे प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा। ठीक है, और परसों का प्रॉफिट जो है वो कल और आज से ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है, जो प्रॉफिट, चूँकि अकाउंट का बैलेंस ज़्यादा था तो प्रॉफिट ज़्यादा कैलकुलेट हुआ। तो जनाब
ये वो रीज़न है डेली बेसिस पे जो अकाउंट का बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, इसकी वजह से लोग सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और ये अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है, अच्छा ये बात तो हो गई कि डेली बेसिस पे जो है वो अकाउंट का प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, तो मिलेगा कब? ठीक है, एक महीने बाद, तीन महीने बाद, छः महीने बाद, साल भर बाद। तो प्रॉफिट, ये नेक्स्ट पॉइंट देख लें, प्रॉफिट पेमेंट ऑन मंथली बेसिस, हर महीने जो है आपको प्रॉफिट मिल जाएगा हर महीने की पहली तारीख को। मतलब आज है 31 तारीख, सपोज करते हैं आज 31 तारीख है, रात 12 बजे के बाद और सुबह 6-7 बजे से पहले, यानी कि रात 12 से सुबह 6-7-8 बजे तक से पहले तक जो है वो किसी वक्त भी आपके अकाउंट प्रॉफिट गिर जाएगा। मतलब सुबह पहली तारीख को सुबह 9 बजे से पहले जो है आपके अकाउंट में प्रॉफिट आ चुका होगा, ऐसा नहीं होगा शाम में या रात में प्रॉफिट आएगा, सुबह जब आप उठेंगे 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को आपके अकाउंट में प्रॉफिट आया हुआ होगा। ठीक है, आगे चलते जनाब। अच्छा, उसके अलावा कुछ फ्री सर्विस है, फ्री पे पाक, मतलब डेबिट कार्ड है वो फ्री इस अकाउंट में, फर्स्ट ईयर, अच्छा ठीक, फर्स्ट ईयर ओनली, चार्जेस विल बी एज पर शेड्यूल ऑफ चार्जेस। मतलब अगर आप ये अकाउंट खुलवाते हैं तो पहले साल के लिए पे पाक जो है डेबिट कार्ड वो फ्री है, उसके एक साल के बाद उस पर चार्जेस लग जाएंगे। चार्जेस किस हिसाब से लगेंगे, हर बैंक का एक शेड्यूल ऑफ बैंकिंग चार्जेस होता है, SOBC कहते हैं, उसमें मेंशन होता है, इसकी डिटेल्स में जाएंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा। आगे चलते जनाब। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं जनाब, नेक्स्ट वन, मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड ऑफ ₹40,000 एज सर्विस चार्जेस एज पर जो प्रीमियम SOBC टू बी डिडक्टेड। ठीक है, अच्छा ये जो आखिरी पॉइंट है, ये कह रहे हैं अगर आपके अकाउंट का बैलेंस ₹40,000 तक होगा तो बहुत से मुख्तलिफ चार्जेस हैं जो अकाउंट पर नहीं लगेगा। ठीक है, ये एक एडवांटेज दे रहे हैं आपको। अच्छा, अकाउंट अप्लाई करने का तरीका सिंपल है बहुत ही, किसी भी अच्छा अकाउंट दो तरीके से खुल रहा है आजकल। ठीक है, एक डिजिटल खुल रहा है, मतलब आप अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे बैठे बैठे जो है अपनी इनकी वेबसाइट पे चाहे डिजिटल अकाउंट को ऑप्शन सेलेक्ट करें। ठीक है, और वो फिर जो जो फील्ड वो आपसे पूछते रहे, नाम, वालिद का नाम, वालदा का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, शनाख्ती कार्ड इशू डेट, एक्सपायरी डेट, और उसके बाद कहेंगे आप जो है शनाख्ती कार्ड की फ्रंट कॉपी तस्वीर खींच के अपलोड करें, बैक साइड की शनाख्ती कार्ड की तस्वीर खींच के अपलोड करें और सैलरी स्लिप की कॉपी अपलोड करें, वो सारी चीज़ें आप तस्वीरें खींच वच के और डेटा इनपुट कर देंगे तो आपका अकाउंट 1-2-3 दिन में प्रोसेस हो जाएगा, उसको कहते हैं डिजिटल अकाउंट। लेकिन ये 1% भी जो है वो अभी तक पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं हुआ, डिजिटल अकाउंट लोग बहुत कम खुलवा रहे हैं। ठीक है, 99% लोग जो ब्रांच का ही विजिट करते हैं। तो जनाब सिंपल करना है, आपने HBL की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाएं उनको। ठीक है, अच्छा उसके अलावा एक फॉर्म होता है सिंपल सा, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, तो आजकल ब्रांच की प्रैक्टिस यही कि फॉर्म वो फुली फिलअप कर देते, आपने सिर्फ साइन करना होता है। ठीक है, तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे, फॉर्म साइन कर देंगे, इनकम प्रूफ एज पर जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से आपने इनकम प्रूफ भी देना है जब आप अकाउंट खुलवाएं। ठीक है, तो इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आ जाती है वो भी सुन लें आप। इनकम प्रूफ में सैलरी स्लिप की कॉपी भी दे सकते हैं, इनकम प्रूफ में जनाब आप जॉब कार्ड की भी कॉपी दे सकते हैं, इनकम प्रूफ में जो है जनाब आप जो है वो अगर सैलरी स्लिप और जॉब कार्ड की कॉपी ना हो तो अपनी कंपनी से एक लेटर ले लिए, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी का अकाउंट खोल दो तो अकाउंट खुल जाएगा, या फिर किसी के पेंशन आ रहा था तो पेंशन बुक की कॉपी भी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है, या किसी ने गोल्डन चेक लिया तो उसकी भी कॉपी दे सकता है, किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी तो उसकी भी कॉपी दे सकता है, या किसी के घर और दुकान का रेंट आ रहा होता है तो घर और दुकान के जो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। ठीक है, तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे, फॉर्म पर साइन कर देंगे, इनकम प्रूफ दे देंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। एक दो चीज़ें और ऐड करूँगा इसमें, क्योंकि ये सेविंग अकाउंट है तो अकाउंट खुलवाते हैं CZ50 या जिसको ज़कात अंडरटेकिंग कहते हैं, ये लाजमी जिएगा वरना आपके अकाउंट से ज़कात कट जाएगा। ठीक है, विथहोल्डिंग टैक्स की बात जो है वो भी चले यहीं पे कर लेते हैं। विथहोल्डिंग टैक्स जनाब, विथहोल्डिंग टैक्स भी आजकल अकाउंटों पे लग रहा है तो उसके हवाले से भी बात कर लूँ कि जनाब विथहोल्डिंग टैक्स जो लगता है वो फाइलर पे नहीं लगता, तो फाइलर को तो छोड़ ही दे, फाइलर पे कोई विथहोल्डिंग टैक्स नहीं है, नन फाइलर में विथहोल्डिंग टैक्स लगता है जनाब। तो नन फाइलर में विथहोल्डिंग किस हिसाब से लगता है, अगर आप नन फाइलर हैं और कैश पैसे निकलवाते हैं, कंडीशन सुन लीजिएगा, अगर आप नन फाइलर कैश पैसे निकलवाते हैं 50,000 या 50,000 से एक रुपये, अगर आप नन फाइलर कैश पैसे निकलवाते हैं 50,000 से ज़्यादा, भले से एक रुपये भी ज़्यादा हो, तो आपके अकाउंट पे जो है विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज हो जाएगा। मतलब 1,00,000 पे 600 रुपये, 0.6% के हिसाब से चार्ज होगा विथ होल्डिंग टैक्स 1,00,000 पे 600 रुपये के हिसाब से। ठीक है, अगर 50,000 से एक रुपये भी ज़्यादा कैश पैसे निकलवाते हैं, तो विथ होल्डिंग टैक्स से बचने का तरीका ये है सर, सिंपली आप ये करें, या तो अगर आप नन फाइलर तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम कैश पैसे निकलवाएं, या कैश के पैसे नहीं निकलवाएं, सिंपली जो है आप बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या फिर चेक के जरिए पैसे निकलवाएंगे तो फिर विथ होल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा। अच्छा
जनाब अब हम वहाँ जाते हैं रेट की तरफ और फिर हम चलेंगे प्रॉफिट की कैलकुलेशन की तरफ, ठीक है। अकाउंट खुलवाने का तरीका, विथहोल्डिंग टैक्स से हम किस तरह बचेंगे, ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब ये देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की, ये जो इनका है इनकी वेबसाइट पर मौजूद है प्रॉफिट रेट, वो 1 अप्रैल 2024 को इशू है और ये 30 जून 2024 तक एप्लीकेबल है, ठीक है। स्क्रीन पर आपको क्लियर दिख रहा होगा। अच्छा आज हमारा है महाना आमदन अकाउंट, ठीक है। महाना आमदन अकाउंट की तरफ से हम आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इन्होंने टायर दिया हुआ है 1 लाख 1 रुपये हो, 1 लाख से इतना हो, वो है, वो सारी प्रोसेस इस वक्त करंटली बंद है। मतलब 1 रुपये हो या 100 करोड़ रुपये हो, प्रॉफिट आपको मिलेगा 20.50% के हिसाब से। यह सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब आपने पैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपये रखवाए हैं तो आपको सालाना प्रॉफिट मिलेगा 20.50% के हिसाब से। इसको फिर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो जो भी प्रॉफिट बनना, मतलब 20.50% 1 लाख पे क्या हुआ, यानी कि 1 लाख पे 20,500 का सालाना मुनाफा, ठीक है। इसको आप 12 से डिवाइड करेंगे तो कोई 1500-1600 की अमाउंट बनेगी, ठीक है, ठीक है। तो ये 20.50 और हर महीने आपका टैक्स काटने के बाद प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये है सिंपल इंटरेस्ट रेट। अच्छा अब जो मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये जनाब क्या है, ये है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जिसकी मैं बात कर रहा था। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ये किया है जनाब कि आप अकाउंट से ना वो निकलवाते, प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाते 1 साल तक, ना ही प्रॉफिट निकलवाते, मतलब 1 साल तक कोई भी डेबिट आपके अकाउंट में नहीं लगता है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, बल्कि यानी कि 20.50% का प्रॉफिट रेट नहीं मिलेगा, बल्कि 22.54% के हिसाब से प्रॉफिट रेट मिलेगा, ठीक है। तो जनाब अभी हम चलेंगे कैलकुलेशन की तरफ। हम आपको सिंपल इंटरेस्ट रेट पे भी बताएंगे, टैक्स कितना लग रहा है, फाइलर पे कितना लग रहा है, नॉन फाइलर को कितना लग रहा है, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख का मंथली प्रॉफिट कितना बन रहा है सिंपल इंटरेस्ट रेट के हवाले से। और फिर हम बात करेंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कि फाइलर को कितना टैक्स लग रहा है, नॉन फाइलर को कितना टैक्स लग रहा है, और टैक्स काटने के बाद इफेक्टिव इंटरेस्ट के लिहाज से मंथली प्रॉफिट क्या बन रहा है। जनाब स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सिंपल इंटरेस्ट रेट, मतलब 20.50% के हिसाब से जो प्रॉफिट मिलेगा, जो आप मंथली यूज कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, ठीक है। रेट है 20.50% के हिसाब से, ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है, जो साल का प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है 20,500, ठीक है। मंथली प्रॉफिट बन रहा है ग्रॉस 1708 रुपये, ठीक है। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बन रही 256 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1452 रुपये के हिसाब से मंथली प्रॉफिट आएगा आपका, ठीक है। बात कर लेते हैं जनाब नॉन फाइल है तो रेट वही है 20.50%, ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 20,500 के हिसाब से, ठीक है। उसी लिहाज से ग्रॉस, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट से मतलब साल का प्रॉफिट कितना बन रहा है 20,500, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1708 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 512 रुपये का टैक्स कटेगा, क्योंकि टैक्स जो है 30% नॉन फाइलर पे, तो नॉन फाइलर का टैक्स बनेगा 512 रुपये 1 लाख पे, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख का मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1196 रुपये का नॉन फाइलर का, और फाइलर कितना बन रहा है 1452 रुपये, ठीक है। तो बड़ा शानदार है प्रॉफिट, खासतौर से फाइलर का 1 लाख पे 1452 रुपये के हिसाब से मंथली प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन फिर वही बात कर रहा हूँ, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात कर लें, जिसकी डिटेल्स मैं 2 दफ़ा आपको वीडियो में बता चुका हूँ। जनाब ये आ गया आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है, यानी कि 22.54% के हिसाब से क्या होगा अगर 1 साल तक ना आप प्रॉफिट निकलवाएं और ना ही जनाब प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएं, ठीक है। तो रेट बन जाएगा 22.54%, मतलब साल का प्रॉफिट बनना 22,540 रुपये, मंथली प्रॉफिट बनना है ग्रॉस 1878 रुपये, ठीक है। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 282 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे मंथली प्रॉफिट बनना है 1596 रुपये, ठीक है। तकरीबन 1600 रुपये आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद, ठीक है। इसी तरह बात करते हैं तो नॉन फाइलर की, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बन रहा आपका, मतलब रेट बन रहा 22.54%, साल का प्रॉफिट बन रहा 22,540 रुपये, ठीक है। और इसके लिए ग्रॉस मंथली प्रॉफिट बन रहा है ग्रॉस 1878 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बन रही 563 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1315 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है जनाब नॉन फाइलर का। तो फाइलर का प्रॉफिट आप देखें कितना शानदार है, 1596, मतलब 1600 रुपये 1 लाख पर। जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो HBL के हवाले से, HBL महाना आमदन अकाउंट, ठीक है। कोशिश ये की हमने कि जो सबसे कामयाब तरीन अकाउंट है, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक का सबसे कामयाब तरीन अकाउंट है HBL महाना आमदन अकाउंट, इसमें कोई कसर बाकी ना हो, और सारे पॉइंट्स को एज इट इज़ जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपडेट किया अपने कस्टमर्स के लिए, हम आपको समराइज़ करें, मतलब आप लोगों के साथ शेयर करें। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन
आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।